प्रिय शिक्षार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। आपका जो पहला पाठ है वह है कविता कैसे पढ़ें। यह पाठ इसलिए रखा गया है क्योंकि वैसे तो आप बचपन से ही कविताएं पढ़ते हैं, लेकिन आपके मन में जिज्ञासा होती होगी कि कविता है क्या और कविता गद्य से कैसे अलग है। इन सारी बातों को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि कविता का स्वरूप क्या है। शिक्षार्थियों, कविता के स्वरूप को जानने के लिए अगर आप देखें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि उसमें भावों की अभिव्यक्ति की जाती है और भावों की अभिव्यक्ति के लिए सौंदर्य विधान किया जाता है। अच्छी तरह से उसे अलंकार और रस के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अंग्रेजी में कहा गया है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इसका तात्पर्य यह है कि कविता हमारी सहज अभिव्यक्ति है, उसमें विषय को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना भावों को प्रस्तुत करने में उसमें कला दिखाई जाती है। और कविता पर जब हम विस्तार से बात करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से कविता और गद्य में अंतर है। कविता और गद्य में अंतर की बात करते हैं तो जो ऊपरी तौर पे अंतर समझ में आता है वह है कि कविता में भावों की प्रधानता होती है और गद्य में विचारों की प्रधानता होती है। और इसी अंतर के आधार पर हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आगे हम देखते हैं कि इस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। इस पाठ में हम कविता के स्वरूप पर बात करेंगे, कविता का हमारे जीवन में क्या महत्व है इस पर चर्चा करेंगे, उसके जो अवयव हैं कविता के उसको देखने की कोशिश करेंगे, कविता क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें इस पर भी विस्तार से बात करेंगे, और उसी के अंतर्गत कविता के भाव पक्ष और शिल्प पक्ष पर बात करेंगे। तो इन सारी बातों को समेटते हुए हम कोशिश करेंगे कि इस पाठ को आसानी से हृदयंगम कर सकें आप और आप समझ सकें। कविता का जो जन्म हुआ वह संस्कृत वाङ्मय में दिखाई देता है। उस समय रचनाकारों ने कविता को अलग ढंग से देखने की कोशिश की, इसीलिए कहा गया कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का जब सुंदर समन्वय हो तो काव्य की सृष्टि होती है। और इसके लिए उन्होंने कभी रस को प्रधानता दी, कभी अलंकार को, कभी रीति को, कभी वक्रोक्ति को, तो इस तरह से अलग अलग विचार समय समय पर आते रहे। लेकिन संस्कृत वाङ्मय के बाद जब हम हिंदी वाङ्मय को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ साहित्य का जो स्वरूप है वह पूरी तरह बदल गया है। और इसके लिए हम सबसे पहले शुक्ल जी को देखते हैं कि शुक्ल जी ने जब साहित्य की परिभाषा दी, कविता की परिभाषा दी, तो उन्होंने कहा कि हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। कविता में हृदय की अभिव्यक्ति होती है और हृदय की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से होती है। कविता एक संश्लिष्ट विधा है, उसमें भावों को बहुत ही गहराई से देखा जाता है, व्यापक रूप में देखा जाता है। इसीलिए शुक्ल जी ने मुक्ति की साधना के रूप में उसे देखा, क्योंकि जब रचनाकार एक रचना की सृष्टि करता है तो उसे मुक्ति का एहसास होता है। और इसे मानस पुत्र भी कहा जाता है कि कविता का जब जन्म होता है तो रचनाकार आह्लादित हो उठता है। पहले तो वह स्वांतः सुखाय ग्रहण करता है और उसके बाद लोगों को भी आह्लादित करता है, मनोरंजन प्रदान करता है। उसी तरह से जब हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखते हैं तो उन्होंने नए ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कविता का लोक प्रचलित अर्थ वह वाक्य है जिसमें भावावेश हो, कल्पना हो, पद लालित्य हो,
तथा प्रयोजन की सीमा समाप्त हो चुकी हो। उनका कहना है कि इसमें भावावेश हो। भावावेश का क्या अर्थ है? कि उसमें भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हो। जब कविता की परिभाषा इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो लोगों ने अलग अलग ढंग से उसको परिभाषित करने की कोशिश की और यह निष्कर्ष निकल कर आया कि कविता में भाव की प्रधानता होती है, इसलिए उसमें विचार का पक्ष बहुत ही संतुलित होता है, बहुत कम होता है। और भावों की अभिव्यक्ति के लिए कल्पना की आवश्यकता होती है। जब रचनाकार कल्पना के सम्मिश्रण से उस रचना की सृष्टि करता है तो वह देखता है कि उसमें नवीनता है, उसमें नई उद्भावनाएं हैं, नई सृष्टि होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कविता में विचार की या चिंतन की जटिलता नहीं होती, अर्थात उसमें विचार पक्ष प्रधान नहीं होता, चिंतन पर ज़्यादा गौर नहीं किया जाता, भावों को प्रमुखता दी जाती है। और इन भावों की अभिव्यक्ति के लिए रचनाकार एक बिंब विधान करता है, अर्थात शब्द चित्र खड़ा करता है। उसके अलावा अगर भाषा की हम बात करें तो अभिधा की अपेक्षा लक्षणा की बात करता है। उसमें अभिधा का अर्थ है जो शब्दकोश का अर्थ होता है वह अभिधा होती है, लेकिन साहित्य में सब कुछ अभिधा में नहीं कहा जाता। जब उसका लाक्षणिक प्रयोग होता है, जैसे किसी व्यक्ति को मजबूत बताना है तो कहते हैं कि वह सिंह के समान है, तो कविता में इस तरह से लाक्षणिक प्रयोग किया जाता है और इस तरह से कविता का एक पूरा स्वरूप स्पष्ट होता है। हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कविता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि कविता केवल हमें मनोरंजन नहीं प्रदान करती बल्कि वह हमारे जीवन में प्रेरणा देती है। आपने देखा होगा कि बहुत से कवि हैं जिनमें जीवन दर्शन है, जीवन मूल्यों की स्थापना है और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि है। जैसे अगर आप अज्ञेय की कविता पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा या आप आगे कक्षाओं में देखेंगे कि उनकी एक कविता है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। अब यहाँ देखिए नगरीय सभ्यता पर व्यंग्य है। रचनाकार बहुत ही सलीके से व्यंग्यपूर्ण शैली में अपनी बात कहना चाहता है और वह समाज को प्रेरणा देना चाहता है कि जो लोग धोखा देते हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते या समाज के लिए हितकर नहीं हैं, वह सर्प के समान है और उनसे हमें बच के रहना चाहिए। इस बात को कहने के लिए बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है और सुगठित भाषा भी होनी चाहिए और साथ ही लयात्मकता एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कविता की। अगर उसमें लय विधान नहीं होगा तो कविता का सौंदर्य निखर कर सामने नहीं आएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, प्रसाद जी की बहुत ही सुंदर कविता है कामायनी, और कामायनी की जो पंक्तियाँ हैं बड़े ही लयात्मक हैं, जैसे हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल चहां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। अब इसमें एक जो लयात्मकता है, एक जो संगीतात्मकता है, वह कविता को बहुत ही सशक्त बनाती है, मनोरंजक बनाती है और शिक्षाप्रद भी बनाती है। तो इस तरह से कविता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और कविता हमारे जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कविता के अवयव कौन से हैं, अर्थात कविता के वो कौन कौन से अंग हैं जिनसे मिलकर कविता का निर्माण होता है। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि संस्कृत वाङ्मय में उसके अवयव के रूप में लोगों ने अलंकार को, ध्वनि को,
रीति को, वक्रोक्ति को, रस को, इन सबों को अवयव के रूप में देखा, लेकिन आधुनिक संदर्भ में इसका स्वरूप बदल गया और कविता के अंतरंग रूप और कविता के बहिरंग रूप, इन दो रूपों में कविता को परिभाषित करने की कोशिश की गई। अंतरंग रूप का तात्पर्य है उसका बोध पक्ष या उसका भाव पक्ष। बोध पक्ष क्या होता है कि उसमें जो विषय ग्रहण किया गया है, जैसे निराला की कविता है, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। इस तरह की जो कविताएं हैं वह आपकी दृष्टि को एक नई तस्वीर देते हैं, भिखारी का एक नया चित्र प्रस्तुत करते हैं, तो यह उसका भाव पक्ष हुआ। उसी तरह से उसका दूसरा पक्ष जो है वो बहिरंग पक्ष है, वह उसका शिल्प पक्ष है। शिल्प पक्ष का मतलब होता है उसका जो बाहरी आवरण है, उसका जो शिल्प सौंदर्य है, अर्थात ताना बाना उसका, किस तरह से कविता बनी है। जैसे पहले छंद विधान होता था, छंदों के माध्यम से कविता होती थी, लेकिन बाद में उसे अतुकांत कविता के रूप में भी देखा गया। अतुकांत कविता, जैसे निराला की कविता भी आपको मैंने बताई, वह अतुकांत है, उसमें छंद विधान नहीं है। लेकिन अगर आप दोहों को देखेंगे, चाहे रहीम के दोहे हों या बिहारी के दोहे हों, उसमें 13 और 11 मात्राओं का आपको संयोग दिखाई देगा, तो वो एक विशिष्ट पद्धति है। लेकिन आज के रचनाकारों ने उन पद्धतियों के विपरीत अतुकांत शैली को भी अपनाया है। शिक्षार्थियों, अब आप विस्तार से यह देखें कि कविता का जो भाव पक्ष है उसमें कौन कौन से तत्व निखर कर आते हैं, अर्थात भाव पक्ष में कौन कौन से तत्व बनेंगे जिससे भावों का निर्माण होगा। तो उसमें मुख्य रूप से 4 तत्व नजर आएंगे आपको। एक तो उसका कथ्य है। कथ्य का मतलब होता है कि उसमें वस्तु क्या है, अर्थात उसका मुख्य विषय क्या है। अगर आपने विषय को समझ लिया तो उसके बाद उसमें रस की अभिव्यक्ति हुई है या नहीं, या कौन से रसों की अभिव्यक्ति हुई है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, ये विभिन्न जो रसों का विधान किया गया है उसे काव्य की सृष्टि होती है। और उसके बाद भाव पक्ष में आप देखेंगे कि उसमें विचारों की भी सृष्टि है। जैसे बहुत से रचनाकार हैं जिन्होंने उसमें नए नए विचारों को दिया है, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है पुष्प की अभिलाषा, उसमें वो कहते हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। यहाँ राष्ट्रभक्ति की जो भावना है वह एक दृष्टि प्रदान करता है, वह राष्ट्र प्रेम की सृष्टि करता है। तो आपको कविता में इस तरह के विचार परक बातें भी देखने को मिलेंगी। उसके अलावा कल्पना की जो बात है, वास्तव में जो कवि होता है उसकी दृष्टि सामान्य लोगों की दृष्टि से अलग होती है, क्योंकि वह कल्पना की सृष्टि करता है। जैसे भिखारी का उदाहरण आपको दिया मैंने, निराला ने जो भिखारी का जो चित्र प्रस्तुत किया है, हम सभी भिखारी देखते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कल्पना की है भिखारी की, वो बहुत ही मार्मिक और हृदय को द्वेलित करने वाली है। तो इस तरह से 4 तत्वों से भाव पक्ष का निर्माण होता है। और जब आप उसके बहिरंग पक्ष पर जाएंगे तो उसमें
भी अलग अलग तत्व नजर आएंगे आपको, और शिल्प को संवारने के लिए, शिल्प को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए रचनाकार सुंदर भाषा और शैली का प्रयोग करता है। रचनाकार सरल भाषा का भी प्रयोग कर सकता है जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज भाषाएं आती हैं। उसके अलावा संश्लिष्ट शब्द विधान भी कर सकता है और उसकी शैली भी बहुत ही मनोरंजक हो सकती है, बहुत ही सारगर्भित हो सकती है। इसलिए भाषा और शैली का बहुत महत्व है, क्योंकि भाषा ही वह हथियार है, वह सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से रचनाकार अपनी बातों को प्रस्तुत करता है। इसलिए भाषा जितनी ही सुघड़ होगी, जितनी ही मनोरंजक होगी, जितनी हमारे हृदय को बेधने वाली होगी, उतनी ही प्रभावशाली मानी जाएगी। अगर आप कबीर के दोहों को देखें तो उनकी भाषा में बड़ा ही प्रभावशाली स्वरूप नजर आएगा। शिक्षार्थियों, उसके बाद हम जो दूसरा तत्व है उस पर बात करते हैं, वह है छंद विधान। छंद विधान का अर्थ है कि पहले के कवियों ने जो रचनाओं की सृष्टि की है उसमें छंदों का एक विधान किया गया। जैसे दोहे में 13 और 11 छंदों का विधान किया गया, चौपाई में अलग विधान किया गया, उसी तरह से अलग अलग छंदों के रूप में आपको साहित्य देखने को मिलेगा। उसे साहित्य में लयात्मकता और वैचित्र नज़र आता है, उससे एक रसों की सृष्टि भी होती है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो अलंकार विधान पर आपका ध्यान जाएगा, क्योंकि अलंकारों के द्वारा काव्य को सुशोभित किया जाता है, उसे अलंकृत किया जाता है। जैसे नारी की शोभा आभूषण होते हैं, उसी तरह से अलंकार भी साहित्य को सौंदर्यवान बनाते हैं। अलंकारों में जैसे शब्दालंकार और अर्थालंकार होते हैं, तो आप बाद में जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं पे अनुप्रास की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है, कहीं यमक अलंकार है। उसी तरह से अर्थालंकार में उपमा, वक्रोक्ति आदि अलंकारों की सृष्टि की गई है। तो ये सारे अलंकार जो हैं वह आपको जगह जगह पे कविताओं में नज़र आएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ अन्य तत्व भी हैं जो साहित्य को सुंदर बनाते हैं। जैसे प्रतीक है, प्रतीक का अर्थ है कि तुलना करना। अगर आप सूरदास को देखें तो सूरदास ने भौरों का वर्णन किया है, वहाँ भौरे प्रतीक हैं श्याम रंग के और अपने स्वभाव के, उनसे तुलना की गई उद्धव की। तो भौरे वहाँ प्रतीक हैं, सीधे सीधे उद्धव को कुछ नहीं कहा गया, भौरों के माध्यम से कहा गया, तो एक प्रतीक विधान नज़र आएगा। उसी तरह से बिंब विधान का मतलब है एक चित्र विधान। रचनाकार सीधे सीधे अपनी बात नहीं कहता, बल्कि वह चित्रों की सृष्टि करता है, वह एक शब्द चित्र का निर्माण करता है और उससे भावनाओं की एक प्रभावशाली अभिव्यक्ति होती है। उसी तरह से रीति और गुण भी तत्व हैं जो साहित्य को प्रासंगिक बनाते हैं, उसे सुंदर बनाते हैं और हमारे हृदय के करीब बनाते हैं। तो इस तरह से कला पक्ष के अंतर्गत इन तत्वों को समेटा जाता है, इनको प्रस्तुत किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जब कविता के ये विभिन्न अंगों को हमने देख लिया, उसके अवयव को देख लिया, तो आखिर कविता पढ़ी कैसे जाए। आगे के पाठों में आप देखेंगे कि अलग अलग रचनाकारों के, विभिन्न कालखंडों के रचनाकारों को आपको पढ़ना पड़ेगा और तब आप देखेंगे कि कविता अलग अलग भावभूमि की होगी, अलग अलग तरीके के विषय उसमें होंगे। तो उन कविताओं को हम पढ़ें कैसे, जो सबसे पहला बिंदु है वह है कवि की भावनाओं तक पहुंचना। इसका तात्पर्य क्या है कि हर कवि अपनी रचनाओं में कुछ न कुछ भावनाओं को प्रकट करता है, अर्थात कहीं उसके अंदर राष्ट्र प्रेम होता है, कहीं पर श्रृंगार की भावना होती है, कहीं पर करुण रस की अभिव्यक्ति करना चाहता है,
तो हमें यह देखना होगा कि कवि जिन भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है वही भावनाएं हम हृदयंगम कर सकें, उनको समझ सकें, तभी कविता अपने समग्र रूप में हमसे जुड़ती है और हम उसका साधारणीकरण कर पाते हैं, अर्थात उसकी भावनाओं से अपने को जोड़ पाते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि कवि का जो परिचय है, अर्थात कवि की पृष्ठभूमि क्या है, उसका रचना क्रम किस तरह का है, उसके लेखन कौशल की क्या विशेषताएं हैं, उसकी काव्यात्मक क्या विशेषताएं हैं, उन सभी को जानना जरूरी है, तभी हम रचनाकार तक पहुंच सकते हैं। और तीसरा जो बिंदु है वह है कि उसका हम सस्वर पाठ करें, अर्थात जब हम लय में हम पाठ करेंगे तभी हम देखेंगे कि उस पाठ पर हमारी समझ, हमारी पकड़ मजबूत होती है, क्योंकि शब्दों को तोड़ तोड़ कर उसको लयात्मक ढंग से पढ़ने से पाठ स्पष्ट होता है और वह ग्राह्य होता है। उसके बाद जो तत्व आता है वह है भाषा सौंदर्य। चूँकि भाषा के द्वारा विषय को प्रस्तुत किया जाता है तो रचनाकार ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उस भाषा से तारतम्य बिठाना, जैसे आप देखेंगे कि मध्यकाल में ब्रजभाषा और अवधि का प्रयोग किया गया है, तो आपको उस भाषा को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके सौंदर्य को समझना जरूरी है। कबीरदास की भाषा को देखेंगे तो उसमें सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं के शब्द आपको नज़र आएंगे, तो उसे समझना बहुत ज़रूरी है। और आज के रचनाकार हैं उनमें खड़ी बोली है तो खड़ी बोली को समझना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। आपको भाषा के जो मर्म है, भाषा की जो गहराई है, उसको समझना जरूरी है, तभी आप पाठ को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इसके लिए एक और भी बात जरूरी है कि आप एक कवि की जो विशेषताएं हैं, उसका जो सौंदर्य है, वही सौंदर्य अगर दूसरे कवि में भी मिलता है, जैसे प्रकृति प्रेम है, प्रकृति के प्रेम पर आधारित रचनाएँ बहुत से लेखकों में मिल जाएंगी, तो आपको तुलना करने से उस रचनाकार के पूरे भावभूमि को समझने में, रचनाकार को समझने में सहूलियत होगी। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, हमने कविता कैसे पढ़ें इस पर विस्तार से चर्चा की, और मुझे उम्मीद है कि आपने कविता के स्वरूप को समझने की कोशिश की होगी। देखिए, कविता हृदय को आंदोलित करती है, हृदय को भावों से भरती है, और कविता कहीं ना कहीं हमें कल्पना लोक में ले जाती है। इसलिए कविता को समझने के लिए उसमें अपने को समाहित करना, आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कवि जब रचना की सृष्टि करता है तो उसमें अनेक भावनाएं निहित होती हैं, और उन भावनाओं को पकड़ना, उन्हें समझना और हृदयंगम करना एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि कविता सुनने में तो बहुत आनंद देती है, लेकिन कविता का मर्म समझना हो तो उसके सभी पक्षों को ध्यान देना होता है, उसके सिद्धांत को समझना होता है। कविता में भाव की प्रधानता होती है, लेकिन गद्य विचार प्रधान होते हैं। उसके अलावा कविता में कल्पना का तत्व ज़्यादा होता है। कविता एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है। जहाँ तक भाव पक्ष का प्रश्न है, भाव पक्ष में तो विचार होते हैं, कथ्य होते हैं, कल्पना होती है, रस की सृष्टि होती है, और इन सबों का जो सम्मिलन होता है वह भाव का निर्माण करता है। लेकिन जब उसका ताना बाना बुना जाता है, जब उसको आकार दिया जाता है, तो उसके आधार होते हैं अलंकार, छंद विधान, बिंब विधान, प्रतीक विधान। फिर आपने देखा कि कविता हमारा केवल मनोरंजन नहीं करती, कविता भी स्वोद्देश्य होती है। वह हमारे जीवन को परिवर्तित करती है, जीवन को नई दिशा देती है। आप कह सकते हैं कि स्वांतः सुखाय से कविता का जन्म हुआ, लेकिन उसका जो सामाजिक रूप है वह हमेशा
उसमें समाहित रहा। रचनाकार केवल अपने लिए सृष्टि नहीं करता, वह एक नए समाज, एक नए देश और एक नए विश्व का निर्माण करना चाहता है, जीवन मूल्यों की स्थापना करना चाहता है। वह समाज की विसंगतियों, विडंबनाओं और उसमें जो नकारने वाली चीज़ें हैं, जो बाधित करने वाली चीज़ें हैं, जो समाज को विघटन की ओर ले जाने वाली चीज़ें हैं, उसकी ओर संकेत भी करता चलता है। इसीलिए अभी आप देखेंगे कि आजकल के जो रचनाकार हैं वह व्यंग्य के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, व्यंग्य से अपनी बात को अधिक प्रभावशाली ढंग से कहते हैं। इसीलिए आज कविताओं का स्वरूप बदला है, छंद विधान की बजाय औतुकांत कविताएं नज़र आती हैं, उनके विषय का विस्तार भी काफ़ी हुआ है, कविता आम जनजीवन से जुड़ी है, उसमें जीवन के दुख दर्द की सृष्टि होती है और वही कविता वास्तव में महान होती है जिससे हम सामान्य रूप से जुड़ पाते हैं और जो हमारे जीवन को आंदोलित करती है, आह्लादित करती है और जीवन का परिष्कार करती है। तो इस तरह से हमने आज कविता के पठन पर बात किया है और हमें उम्मीद है कि जब आप आगे के पाठों को पढ़ेंगे तो यह पृष्ठभूमि आपके लिए कारगर साबित होगी। धन्यवाद।